हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ स्टडी थ्री वे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आप लोगों को जानकारी देंगे ई श्रम कार्ड से संबंधित। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ई श्रम कार्ड का पैसा जो है 1,000 रुपया मिलना शुरू हो चुका है दोस्तों, सभी के अकाउंट में फिलहाल में अभी पैसा आ रहा है। दोस्तों, अभी तक आपके अकाउंट में पैसा मिला है कि नहीं मिला है, कैसे चेक करना है, हम आप लोग को इस वीडियो के अंदर जानकारी देंगे। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को बता दें कि जो ये योजना है, सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसके तहत ई श्रम कार्ड धारकों को 1,000 रुपया दिया जाता है। कैसे चेक करना है दोस्तों कि अभी तक आपके खाते में पैसा आया है कि नहीं आया है, सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लीजिएगा। गूगल को ओपन करने के बाद दोस्तों, गूगल सर्च बार में आपको टाइप करना है यहाँ पर PFMS, ठीक है दोस्तों, इतना आपको लिखना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों, फर्स्ट में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा PFMS.NIC.IN का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा नो योर पेमेंट, ठीक है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखिए बैंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जो भी आप बैंक अकाउंट अपने ई श्रम कार्ड से लिंक करवाए हैं, ठीक है, उस बैंक का नाम यहाँ पर, उसके बाद अकाउंट नंबर, उसके बाद यहाँ पर दोबारा से अकाउंट नंबर आपको कंफर्म करना है। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए कैप्चा दिया है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद दोस्तों नीचे आना है, यहाँ पर सेंड OTP का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी ई श्रम कार्ड में मोबाइल नंबर आप दिए हैं, लिंक करवाए हैं, उस पर एक OTP आएगा। OTP डालकर आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद दोस्तों, आपके अकाउंट में पैसा गया है कि नहीं गया है ई श्रम कार्ड का, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, आप ई श्रम कार्ड का पैसा चेक कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।